नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा पर मैं महेश चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 26 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं यहां आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उन सभी करंट अफेयर्स को दोस्तों हमने कवर करते हुए 3 वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो लगभग आपके 1200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और ये अगर 1200 क्वेश्चन कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि हाल ही में असम कैबिनेट ने असमिया को राज्य भाषा घोषित करने के लिए मंजूरी दी है, इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? ए 324, 368, 352 या 345। तो दोस्तों, किसी भी राज्य को अगर अपनी राज्य भाषा बनाना है राज्य की, तो उसके लिए आर्टिकल 345 में संशोधन करना होगा। वहीं दोस्तों, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के बारे में बताता है, आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन किस प्रकार होता है उसका वर्णन करता है, वहीं आर्टिकल 300 दोस्तों नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। वही बात कर लेते हैं असम की, तो असम के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में वह है दोस्तों सर्बानंद सोनेवाल, और यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? ए किसान दिवस, सद्भावना दिवस, शिशु शासन दिवस या डी एकता दिवस। तो दोस्तों, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है वह सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका जन्म हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर शहर में, यानी कि ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 11 महीने के लिए, और 1999 से 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं दोस्तों, 2015 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनको पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय के साथ दिया गया। वही दोस्तों, ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेश मंत्री के रूप में रहते हुए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पहला हिंदी में संबोधन दिया। 1977 में ये विदेश मंत्री थे, तब दिया था। वही दोस्तों, इनके कार्यकाल में यानी कि 1998 में हमने राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार कब से डिजिटल रेडियो शुरू किया जाएगा? ए 2024, 2022, 2020 या 2021। तो दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार हम 2024 से डिजिटल रेडियो की शुरुआत कर देंगे। वही दोस्तों, 2024 एक इम्पोर्टेंट डेडलाइन है, क्योंकि इसी डेडलाइन के अनुसार हम हर घर को नल से जल योजना के तहत पानी पहुंचाएंगे। वही दोस्तों, 2022 में G20 की मीटिंग होगी भारत में। 2020 में दोस्तों अंडर 17 महिला विश्व कप होगा फुटबॉल का। इससे पहले दोस्तों अंडर 17 पुरुषों का फुटबॉल कप भी हो चुका है हमारे यहां पर, वो हुआ था दोस्तों 2017 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अटल भूजल योजना का शुभारंभ कहां से किया? ए अहमदाबाद, बिनई दिल्ली, सी प्रयागराज या डी भोपाल।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अटल भूजल योजना का शुभारंभ नई दिल्ली से किया, यानी कि 25 दिसंबर 2019 को, ये इंपॉर्टेंट डेडलाइन है क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन है और इसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हेमंत सोरेन को झारखंड के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? वहां का गवर्नर, यानी कि वहां के राज्यपाल। तो वहां के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, यानी कि इनको 29 दिसंबर ये मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में इन्हें द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की। वहीं बात कर लेते हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, तो प्रोफेसर गणेशी लाल है दोस्तों ओडिशा के राज्यपाल। वहीं प्रोफेसर जगदीश मुखी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, तो ये है असम के राज्यपाल। वहीं दोस्तों अनुसुईया उइके, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? ए स्टीव स्मिथ, बी विराट कोहली, सी चेतेश्वर पुजारा या डी केन विलियमसन। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की जिसमें विराट कोहली, भारत के विराट कोहली को पहला स्थान प्राप्त हुआ, इनको 928 अंक प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों स्टीव स्मिथ, तीसरे स्थान पर केन विलियमसन एवं चौथे स्थान पर भारत के ही चेतेश्वर पुजारा को लिया गया। वहीं बात कर लेते हैं भारत को और कितना स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत के सातवें नंबर पर दोस्तों रहे अजिंक्य रहाणे। वहीं बात कर लेते हैं आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है शशांक मनोहर। एवं इसके जो सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वह है दोस्तों मनु सहनी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह है दुबई, यूनाइटेड एमिरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में। देखने अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा वाईएसआर नेथान्ना नेस्तम योजना का शुभारंभ किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा वाईएसआर नेथन्ना नेस्तम योजना का शुभारंभ किया गया। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। वहीं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव एवं यहाँ के जो राज्यपाल है वो है तमिली सोंदा राजन। एवं कर्नाटक के जो राज्यपाल है दोस्तों वो है वज्जुभाई आर वाला एवं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है दोस्तों येदियुरप्पा, येदियुरप्पा। एवं ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वह है नवीन पटनायक एवं यहाँ के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। जानी मानी विदुषी सविता देवी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से? ए भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका, बी राजनीति, सी लेखक या डी शांति नोबल विजेता। तो दोस्तों ये जानी मानी भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी और ये ठुमरी गायक थी, ठुमरी ठुमरी गायक थी, और इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी माँ सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी, माँ सिद्धेश्वरी। तो ये थी दोस्तों हमारे भारतीय शास्त्रीय गायक और उसमें भी ठुमरी गायक। देखने अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला? ए वनिता देशमुख, बी संगीता रेड्डी, सी सौम्या स्वामीनाथन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में संगीता रेड्डी द्वारा फिक्की के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में और इसका जो मुख्यालय है वह है न्यू दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वहीं बात कर लेते हैं सौम्या स्वामीनाथन की, तो दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की डेप्यूटी जनरल है। वहीं उसके जो मुख्य अध्यक्ष कौन है, तो वह है दोस्तों टेड्रोस आधानो, टेड्रोस आधानो।
और ये ऐसी पहली भारतीय बनी थी दोस्तों जो WHO की उप महानिदेशक बनी थी, और ये हमारे जो हरित क्रांति के जनक के स्वामीनाथन उनकी पुत्री है। और हाल ही में दोस्तों इन्हें चीफ साइंटिस्ट भी नियुक्त किया गया WHO का। बात कर लेते हैं WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया? ये मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के मालवीय नगर में पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा दोस्तों जो मलिन बस्तियां होती है वहां पर रहने वाले लोगों का प्राथमिक उपचार किया जाएगा। वहीं राजस्थान के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वह है दोस्तों कलराज मिश्र। ये इससे पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों वह है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन द्वारा ऑक्सीजन पार्लर खोला गया? ए जयपुर रेलवे स्टेशन, बी नासिक रेलवे स्टेशन, सी लखनऊ रेलवे स्टेशन या डी हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और इसको अच्छे से अपन कल एक्सप्लेन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे पीएससी अड्डा के चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे ये जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिए जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो है आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।